हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल आइल्स विद सोफिया। गाइस मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसीं मेरी अज दी वीडियो देखने तो पहला होर मेरिया जिहड़ियां वीडियोज़ हैगियां ने नवे क्यू कार्ड के रिगार्डिंग तुसीं देख चुके होवोगे। तो जेकर तुसीं नहीं देखिया तो फिर तुसीं मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो इन द प्लेलिस्ट और ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू कैन वॉच माई ऑल प्रीवियस वीडियोज़ रिगार्डिंग न्यू क्यू कार्ड। नाउ गाइज अज नेम की है डिस्क्राइब एन आर्टिकल ऑन हेल्थ दैट यू रीड फ्रॉम ऑनलाइन। वो वाला आर्टिकल दसना मैं जो तुम ऑनलाइन पढ़िया हो मैगजीन तो पढ़िया हो। ठीक है, वट द आर्टिकल केड़ा आर्टिकल सी, वैन एंड वेयर तुसी कित्थे पढ़िया कदों पढ़िया, वट यू लर्नड तुसी उस आर्टिकल तो की सीखिया सी, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक तो यह तुम क्यों सोचते हो कि वो वाला आर्टिकल है जोड़ा बहुत ज़्यादा वधिया वा जां बहुत ज़्यादा की है माड़ा वै। सब तो पहला आपां इंट्रोडक्शन एंड गाइज बिलीव मी द आइडिया ऑफ दिस क्यू कार्ड इज़ वेरी ईजी, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर विद यू फॉलोअप्स। ओके, आर्टिकल्स प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी वनस लाइफ। कहते कि आर्टिकल्स की है पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं हरेक किसी की लाइफ के। पार्ट एंड पार्सल की है ईडियम है। एवरीबडी रीड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, समबडी लाइक टू रीड अबाउट पॉलिटिक्स एंड अदर प्रेफर फैशन रिगार्डिंग, मैनी मोर टाइप्स आर अवेलेबल इन द डिमांड ऑफ आर्टिकल। आई हैव ऑल्सो रेड पलेथ्योरा कह दो, वेरियस कह दो, लोट्स ऑफ कह दो, मैनीफोल्ड कह दो आर्टिकल। अपना क्वेश्चन किया व्हाट द आर्टिकल, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट तो बाद दैट आर्टिकल मैं एरो पा दिता हुआ गाइस, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अबाउट मैं दोबारा फिर रिपीट कर दी पई हाँ, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू विच वॉज रेड बाय मी, बनाया पैसिव, इन द लाइब्रेरी ऑफ माई कॉलेज इन द लास्ट ईयर। आर्टिकल वॉज अबाउट द हेल्थी लाइफ स्टाइल। अगले क्वेश्चन देखो, वेन एंड वेयर। Actually, one day I sat in the college library where I was reading novel, but when I stood, but जदों मैं खड़ा होया, then the name of one article attracted me because the heading was eye-catching। ठीक है, उन्हें मेरी आईज नू कैच कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। आई सैट अगेन एंड स्टार्टड टू रीड दैट आर्टिकल नियर द विंडो ऑफ द लाइब्रेरी। वट यू लर्न फ्रॉम द आर्टिकल, तुसी उस आर्टिकल तो की सीखिया सी। I learned so many things which I did not know earlier. Firstly, I knew that people should not eat fast food because in this food in large quantity of that spices and ingredients are present which are not good for them. Secondly, individuals should do more and more exercise and make their body fit and fine. कहंदे कि मैं बहुत सारिया चीज़ां सीखियां जिहड़ियां मैनूं पहला नहीं पता सी। सब तो पहला मैनूं यह पता लगा कि फास्ट फूड की या नहीं ईट करना चाहिदा गा, क्योंकि उस फूड दे विच की लार्ज क्वांटिटीज़ दे विच ਉਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। आई फील गुड टूडे, मैं बहुत वधिया फील करता मैं अज भी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल। एंड द रीज़न इज़ नाउ अ डेज आई डू एक्सरसाइज। उस आर्टिकल नूं पढ़न तो बाद मैं अज एक्सरसाइज भी करता वा, योगा भी करता वा, सो दैट्स वाई आई फील एक्टिव एंड स्टे अवे फ्रॉम एवरी डिसीज़। सो आई फील ओवर द मून, कंप्लीटली ओवर द मून, वेरी हैप्पी। मतलब कि मैनू उस आर्टिकल पढ़ के बहुत ज़्यादा वधिया महसूस होंदा वै, क्योंकि उस आर्टिकल नूं पढ़न तो बाद ही मैनू पता चला वै वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा इन माई लाइफ। एंड आई स्टार्टड आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल, तो उस तो बाद की है मैं अज भी एक्टिव फील करदा वां, तो मैं हर एक बीमारी तो की है दूर रहना वां। ठीक है, so that was the article which I read in the last year, and also I would suggest to my another friends that they should read at least this article once in their life। ऐसी तुहाड़ी ending guys, हुण आपां follow ups करदे आं। गाइज विश्वास करो फॉलोअप्स बहुत ज़्यादा ईजी है, तो बहुत ज़्यादा वधिया लगनगे। वाई डू डिफरेंट टाइप्स लाइक टू रीड डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली इट डिपेंड अपॉन द पर्सनस टेस्ट। समबडी लाइक टू टेक इंटरेस्ट इन फैशन, सो दैट्स वाई दे प्रेफर टू रीड मैगजीन अबाउट फैशन। दे कि एक्चुअली ये अपना अपना टेस्ट होंगे हरेक परसन का, कुछ की है फैशन के इंटरस्ट रखते हैं इस करके वो फैशन दी मैगजीन्स रीड करना पसंद करते हैं, प्रैफर करते हैं, जबकि दूसरे की है वाइल तो पहला मैं इतने कोमा क्यों पाया वै, ये गाइस मैं एक वीडियो अपलोड की है कंपलैक्स वर्ड के रिगार्डिंग, वो वीडियो की है प्लेलिस्ट भी पई हुई है वीडियो, जेकर तुसी वो वीडियो मिस की है दैन गाइज प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करो, तो वो वीडियो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा बैनीफिशियल है गाइज। तो उस वीडियो दे विच मैं दस्या वै कि वाइल तो पहला मैं कोमा क्यों पाया वै, उस वीडियो दे विच मैं डिटेल च दस्या वै, पूरा वेखोगे तां ही तुहानूं पता लगेगा, ते तां ही तुसी वीडियो देखण तों बाद कहोगे 5 बैंड 5.5 बैंड बाय बाय, हुण साडी जिंदगी दे विच ना वी, हुण साडी जिंदगी च आउणगे तां 7 बैंड आउणगे। While some like to read magazine about sports because they play different types of sports. If I would talk about senior citizens, they prefer about religious. So it can be said that every person like to read magazine according to their own choice, according to their चॉइस। सीनियर सिटीजनस की है रिलीजियस के रिगार्डिंग करते हैं, जोड़े फैशन में इंटरस्ट रखते, जोड़े फैशन च इंटरस्ट रखते हो फैशन रिगार्डिंग, जोड़े स्पोर्ट्स च इंटरस्ट रखते हो स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, ठीक है। इस करके कहा जा सकता है कि हर एक परसन का अलग अलग की है टेस्ट वो अकॉर्डिंग। हम आप अगला क्वेश्चन करिए सैकेंड क्वेश्चन गाइज की है, वट काइंड ऑफ मैगजीन्स डू टीनेजर्स लाइक, टीनेजर्स किस तरह के मैगजीन्स पढ़ना पसंद करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी टीनेजर्स टेक इंटरेस्ट टू रीड मैगजीन्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड फैशन, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ दे वॉन्ट टू कीप अपडेट, क्योंकि वो क्या अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। themselves that knew which trend is going on, कि क्या ट्रेंड आजकल चल रहा है। मोर ओवर सम जुवेनाइल्स prefer magazines regarding different types of games in which they can know about new games. वो जड़िया मैगजीन्स है प्रैफर करते हैं गेम्स रिगार्डिंग, ताकि वो क्या नवे नवे गेम्स के बारे जान सकन। थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ ऑन टीवी एंड न्यूज़ इन मैगजीन, दोनों के विचकार की डिफरेंस है? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ न्यूज़। फर्स्टली वैन परसन हीयर टू न्यूज़ ऑन द टेलीविजन एट दैट टाइम ही और शी सिंगुलर, सिंगुलर के नाल एस और एस विद वर्ब द फर्स्ट फॉर्म, जेकर प्लूरल है तो एस और एस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म के नाल नो नीड। ही और शी डू की है वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ई एस, ठीक है, डू मेन वर्ब है, इतने हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही और शी डज नॉट ओनली लिसन बट ऑल्सो विजुअलाइज, वो टी वी तो जस्ट लिसन ही नहीं करते बल्कि विजुअलाइज भी करते हैं। वाइल कोमे तो पहला वाइल, ठीक है, हम देखो मैं इतने भी कोमे तो पहला वाइल पाया हुआ है, यदा मतलब कि वो वीडियो तुम्हें वेखनी ही पैनी है कंपलैक्स वाली जी मैं वीडियो अपलोड की है। ऑन मैगजीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गाइस लिंक दे दिता वा, डोंट वरी तुम देख लिया जी। ऑन वाइल ऑन मैगजीन पर्सन कैन जस्ट रीड द न्यूज़ एंड सी सम पिक्चर्स विच आर समटाइम अनेबल टू अंडरस्टैंड, कदे कदे की है पिक्चर भी समझ नहीं आंदियाँ, इस करके की है टेलीविजन बेस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, डू पीपल लाइक टू रीड न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेट, कि लोग पसंद करते इंटरनेट तो न्यूज़ रीड करना? ऑफकोर्स करते ही, अजकल तो सारे करते, मौका चाहिए सारे नूं। चलो आप इहदा आंसर वेखिए हुण। यस Nowadays most of the people to read the news online, आजकल के बहुत सारे people है जो ऑनलाइन न्यूज़ रीड करते हैं, because with one touch they can know about the happenings all around, क्योंकि वो just एक touch दे नाल की है सारा कुछ जान जाते अपने संसार के आले दुआले। even they can get information on the internet in 24 hours when they want, तो 24 घंटियां दे विच विच सारी इन्फॉर्मेशन गैट कर सकते हैं जिहड़ी भी वो चाहते हैं, ठीक है गाइज। मैनूं लगदा बहुत ईजी सी है ना। नैक्सट गाइज फिफ्थ क्वेश्चन हैगा वै, डू पीपल स्टिल बाय मैगजीन्स इन योर कंट्री, कि हजे भी तुहाडे देश दे विच लोग मैगजीन्स खरीदना पसंद करते हैं? डेफिनेटली इन माई कंट्री या फिर नेशन मैनी मासिस प्रैफर टू रीड मैगजीन बिकॉज दे थिंक दैट दे कैन ईजीली डू टाइम पास विद इट। इटकी मैं इतने किदे यूज़ किया वै मैगजीन के लिए, उन्होंने लगता है कि वो आसानी के नाल टाइम पास कर सकते हैं एंड ऑल्सो इनहैंस देयर नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एग्जाम्पल एंड कर दी, इन रिलीजियस मैगजीन्स सीनियर सिटीजनस डज नॉट गैट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजन, जस्ट रिलीजन के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन गैट नहीं करते, बट ऑल्सो नो अबाउट द रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ meditation in their life. Hun sixth, do you think people today are healthier than those in the past? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ? ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਯੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ कि मैं कह सकता हाँ कि आजकल की ये लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि रीज़न की है करंट पीरियड के विच की है मैनी डिसीज़ आर स्प्रैडिंग, बहुत सारिया डिसीज़ की है फैल रही हैं, सो दैट्स वाई क्यों इस करके वो की है हैल्थी डाइट नू फॉलो करते हैं एंड ऑल्सो डू योगा एंड मैडिटेशन सो दैट दे कैन मेक देयर बॉडी फिट एंड फ्रीडर. अगेन आई यूज्ड ईडियम गाइज मैनू लगता है कि तुहानू मेरे इस क्यू कार्ड का आइडिया पसंद आया होगा. जेकर पसंद आया वै तो दैन गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो नू वध तो वध शेयर करो, चैनल नू सबसक्राइब करो, तुसी मैनू फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक ते भी, इंस्टा ते भी, मैं अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दिते है गाइज. ठीक है गाइज, बाय बाय, गॉड ब्लैस यू गाइज. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दीज थ्री थिंग्स, रिमेंबर है ना, मोटिव होना चाहिए आईएलटीएस विद सोफिया नू पूरे वर्ल्ड दे विच फैलाउण दा. ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हैप्पी गाइज.